मोदी ने घुस के मारा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी ये कर रहे हैं, मतलब मोदी के इर्द गिर्द जो पूरा ताना बाना है उसकी वजह से उनमें विश्वास बहुत बढ़ता है। बिल्कुल, तो ये इसमें कहीं दो राय नहीं कि मोदी की गारंटी देते समय वो बहुत से ऐसे चीजों को गिराते हैं जो 10 साल में हुई हैं। आज के ही उनके भाषण देख लीजिए कि 10 साल में इकोनॉमी को उन्होंने बताया है। अब 2024 की बात, 2014 और 2019 पर अगर हम बिल्ट करते हैं तो 2024 में कोई लड़ाई नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन लोकतंत्र की अपनी खूबी है, उसके बारे में सिर्फ आंकड़ों से कोई बात नहीं कही जा सकती। और इसके लिए हमें कुछ इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे राजीव गांधी अक्सर याद आते हैं। मैं उस समय भी पत्रकारिता में था सौभाग्य से, और सेंट्रल हॉल में लोग कहा करते थे कि अरे साहब हमारे पास तो इतनी सीटें हैं और हमारा नेता इतना सहनशील है, नहीं तो चाहे तो संविधान बदल सकते हैं वो और अपने को युवराज या राजा घोषित कर सकते हैं। ये हंसी में ही बोलते थे, लेकिन लोग बोलते थे इस तरह से। और अगला चुनाव हुआ, 200 सीटें भी उनको नहीं मिली 1989 में। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लगातार मेहनत करने से होता है और वो मेहनत आपके स्क्रीन के बीच में अभी भी दिखाई पड़ रही है। अंजना, बिल्कुल, और यही संजय जी मैं इस सवाल को थोड़ा पलट के अब आपके पास लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ये जो डेटा है सीएसडीएस का, जो ये बता रहा है कि बहुत लोगों के लिए मायने रखता है कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व करे, और वही नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है बीजेपी के। मेरा प्रश्न आपसे पलट के है, इस पर तो आप अपना एनालिसिस दीजिएगा ही, क्या विपक्ष की तरफ से एक प्रबल नेता का नहीं होना, जिसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच भारी है, सबसे बड़ा हैंडीकैप नहीं है विपक्ष का? हैंडीकैप तो है, लेकिन क्या सबसे बड़ा हैंडीकैप है? मैं नहीं मानता कि सबसे बड़ा हैंडीकैप है। सबसे बड़ा हैंडीकैप है विपक्ष के लिए एक नैरेटिव का नहीं होना, एक ऐसा पॉजिटिव नैरेटिव जिससे आप उन लोगों को अपनी ओर ला सकें जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। यह भी हैंडीकैप है, एक नेता का नहीं होना यह भी एक हैंडीकैप है। मुझे लगता है अंजना जी, अगर मैं लोगों से जब बातचीत करता हूं, जब हमारे सर्वेक्षण होते हैं, तो एक अंदाज मैं ये कह सकता हूं, आज 5-6% वोटर ऐसे दिखते हैं जो मन मार कर बीजेपी को वोट देंगे। कहने का मतलब बहुत पहली पसंद नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम आपकी बातों से सहमत भी हो जाएं, लेकिन फिर वोट दें किसको? विपक्ष में, क्योंकि हमारा नेता कौन होगा? अगर यूपीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री होगा कौन? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सवाल पे गुस्सा जाते हैं सापरा साहब। अब सापरा साहब को अपनी अपना अधिकार है, गुस्सा जाएं या हंस लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनता के नजरिए से जब मैं देखता हूं तो पहला हैंडीकैप है नैरेटिव का नहीं होना, पॉजिटिव नैरेटिव नहीं है, और दूसरा और पॉजिटिव नैरेटिव से जुड़ी हुई चीज है कि नेता कौन है, तो ये बड़ा हैंडीकैप है। बिल्कुल, आपके सवाल पे काउंटर सवाल आप ही से, जिसका दो लाइन में जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं नैरेटिव नहीं है, इधर एनडीए का नैरेटिव क्या है? मोदी की गारंटी। अब नेता के इर्द गिर्द ही तो पूरी गारंटी का नैरेटिव बिल्ड हुआ है, वहां पर किसका नैरेटिव चलेगा, किसके बारे में बोलेंगे? नहीं, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सिर्फ मोदी की गारंटी नैरेटिव नहीं है, मुझे लगता है कई नैरेटिव्स हैं, और उनके पास तो जैसे कहते हैं ना, एक मजबूत टीम में सब कुछ अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, विकेटकीपर तो जबरदस्त है, उसी तरह से मोदी की गारंटी भी एक बड़ा नैरेटिव है। लेकिन सबसे बड़ा नैरेटिव इन दिनों बीजेपी जो बनाने की कोशिश कर रही है वो है भ्रष्टाचार पर हमला, भ्रष्टाचारियों को रोक को भ्रष्टाचार को देश की राजनीति से हमें भ्रष्टाचार पर आर पार का पूरा एक बिल्कुल बिल्कुल अगर आप दिल्ली के या अन्य शहरों में देखें जिस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है और वो क्या एक ही ओर इशारा कर रही है, भ्रष्टाचारियों को हमें रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। बिल्कुल, और वो शायद छवि सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू क्या वाकई मुद्दा बनेगा, हम उस पर आएंगे। मैं तो कह रही हूं संजीव जी, आप स्क्रीन से हटी जाइए, ये पोस्टर पकड़ बाहर रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वापस आ जाते हैं टॉपिक पर, देखिए अब वो आपके नेता के खिलाफ कुछ लेकर ऐसे प्लाकार्ड पकड़ जाए, ये ठीक नहीं लगता। आप अपनी बात कहिए, आपने अपनी बात कही है, एक बार दिखा दीजिए, लगातार इस तरह से पकड़ना मुझे लगता है कि तरीका ठीक नहीं है। अब ये बैठ के केजरीवाल जेल में लेके खड़े हो जाए, वो कुछ लेके खड़े हो जाए, ऐसे तो फिर डिबेट में कुछ मतलब नहीं होगा ना। अब वापस लौटते हैं, एक सेकंड 30 सेकंड आप बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की बात छेड़ी है, तो दिल्ली पे एक बार आ जाते हैं और दिल्ली के नंबर्स आपको दिखा देते हैं कि क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का असर दिखेगा। अगर ये हम नहीं बता रहे कि असर होगा, लेकिन अगर होता है तो स्थिति क्या बदलेगी? देखिए चांदनी चौक की सीट ये हम आपको दिखा रहे हैं 2019 में, आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों का वोट मिला भी लीजिए तो 44.4%,
इधर बीजेपी का 52.9%। अगर 6% वोट स्विंग 6% होता है फेवर में अरविंद केजरीवाल को, यह सहानुभूति वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है, तब वो 50 पर पहुंच जाएंगे और ये 46 पर पहुंच जाएंगे। अगली सीट जो हम आपको दिखा रहे हैं सीट वाइज करके जल्दी जल्दी, तो ये देखिए पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दोनों का पिछली बार का मिला लीजिए 41 था और बीजेपी को 53.3। यहां पर आ जाइए आप, अगर 6% वोट स्विंग होता भी है तब भी बीजेपी आगे रहेगी पूर्वी दिल्ली की सीट में। ये बहुत दिलचस्प, 6% वोट स्विंग की हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट्स मिला लीजिए, 6% स्विंग ऐड कर लीजिए, तब वो पहुंचते हैं 47.7 पर और बीजेपी पहुंचती है 49 पर। अगली सीट जल्दी से दिखा दीजिए, तो पूर्वी दिल्ली बहुत सेफ दिखाई दे रही है बीजेपी के नजरिए से अगर पिछली बार का ट्रेंड रहता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, ये देखिए 60.5% वोट बीजेपी को मिले थे और आप और कांग्रेस का वोट मिलाकर था 37.9%। इधर आ जाइए, अगर 6% वोट स्विंग यानी सहानुभूति के वोट आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिल भी जाते हैं और उसमें आप और कांग्रेस दोनों का वोट मिला भी दीजिए, तब भी 43.9 यानी 44% पर पहुंचता है और बीजेपी 54.5% वोट हासिल करती हुई दिखाई देती है। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? लेकिन कुछ सीटों पर देखिए, जो हमने पहली सीट दिखाई चांदनी चौक की, वहां पर तो आपको डैमेज होता हुआ दिखेगा। अंजना जी, बहुत ओबीडियंट डिबेट चल रही है इसलिए थोड़ा सा अवसर दीजिएगा, जवाब बोल रहे हैं तभी हम बोल रहे हैं, पर दो पार्ट में जवाब दूंगा। पहली बात तो अभी आम आदमी पार्टी के साथ ही झूठ के महल की बात कर रहे थे पर शीश महल को भूल गए। एक बार अगर हिम्मत हो तो शीश महल के अंदर से वीडियो बना करके पूरी दिल्ली को दिखा दीजिएगा, कितना सुंदर है। दिल्ली की जनता भी तो देखे, जो कहते थे बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो कौन से शीश महल में रह रहे हैं। अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 70s में थी, 25% ग्रोथ रेट था, 1% उसको भी याद कर लिया करिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में अगर 10 ऐसे साल जब लोएस्ट इन्फ्लेशन रही है तो 10 के 10 साल एनडीए सरकार के रहे हैं। आज 5% की एवरेज इन्फ्लेशन है हमारी, 5% के लगभग पे हम आ गए हैं, उसको भी जरा याद कर लीजिए। पर अंजना जी, मोदी बनना आसान नहीं होता, बहुत कठिन काम है। मोदी बनने के लिए आपको त्याग तपस्या करनी पड़ती है। मोदी बनने के लिए 22 साल का पब्लिक लाइफ, आप हेड ऑफ गवर्नमेंट है और एक दाग आप पे नहीं होना चाहिए, एक स्टेन आप पे करप्शन का नहीं है। मोदी बनने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है और देश को परिवार मानना पड़ता है। मोदी बनने के लिए इस देश में सब वर्गों के लिए काम करना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास करना पड़ता है। पर ये कांग्रेस पार्टी वो नहीं सोच पाएगी, ना ही आम आदमी पार्टी सोच पाएगी। कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है, जो पहले बोलते थे वही लास्ट में। इनको देखिए, 10 साल पहले आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, 10 सालों में क्या हालत हो गई। और आज आप डेटा दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेंगे तो वोट शेयर मिल जाएगा। मैं कहता हूं इन्होंने इतनी चालाकी करी है सोनिया जी के साथ, चांदनी चौक में आपसे आगे बढ़ रहा है। मैं वही बताता हूं, एक सीट बता रहा हूं, नई दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी ने खुद को ले ली। सोनिया जी आम आदमी पार्टी की वोटर बन जाएंगी क्या? वो तो नई दिल्ली की वोटर है। जो कहा करते थे सोनिया जी को 2 घंटे इंटरोगेशन करो, इनका सारा भ्रष्टाचार निकल के आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, सोनिया जी भी बांसुरी स्वराज को वोट करेंगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। कैसे पता चल गया? अरे आम आदमी पार्टी को नहीं करेंगी, मतलब सोचिए उनका ऑप्शन ही नहीं है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं कर सकती। अरे उनके साथ स्टेज पर एक साथ खड़े हैं, गठबंधन किया है, आप लोग कहां हैं? वो तो अंजना जी मुखौटा कुछ और है, डीएनए एक है इतना मान लेते हैं, मुकोटा कुछ और है, पर अंदर की कुछ तो घृणा होती होगी। कोई कहता होगा ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बेटा, इसका भ्रष्टाचारी लालू जी भ्रष्टाचारी। और आज मजबूरी देखिए, वहां जाएंगी कांग्रेस का हाथ भी नहीं दिखेगा, झाड़ू ही दिखेगी, दबाएंगी तो उसी पे दबाएंगी। संजीव, मैं नहीं मानता। संजीव झा जी वो ट्रांसलेट होता हुआ देख नहीं रहे। तीन बातें हैं और मुझे टुकड़ों में भी जवाब देने दीजिएगा। क्योंकि आपने कहा कि लगातार प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये लगातार इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि आजकल एंकर सवाल पूछना बंद कर दिए हैं। अगर यही सवाल एंकर पूछ लेते कि शरद चंद्र रेड्डी से आपने 60 करोड़ चंदा क्यों लिया, जिसको आप किंग पिन कहते थे, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना, जवाब देना चाह रहे हैं शशि शेखर जी, क्योंकि रोज सर इन लोगों से, तो एक सेकंड आवाज इनके नीचे कीजिए। संजीव झा जी, मैं आपको ये बोलकर आगे बढ़ने नहीं दूंगी, आपको जवाब सुनना होगा। हर मंच पर, हर स्तर पर यह सवाल पूछा जा रहा है और शरद रेड्डी को लेकर अनेकों, आपको राय शायद आपकी पार्टी रोज नहीं भेजती है, प्रियंका कक्कड़ से पूछ लीजिएगा। एंकर्स पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या देखना है, आपको क्या समझना है। मिल गया बेल तो मिल गई आपके एक संजय सिंह जी को, सांसद को, मनीष जी को तो नहीं मिली है। हद करते हैं। शशि शेखर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे नहीं बोलना चाह रहा और ना मैं इनकी तूतू बहमे में फंसना चाह रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं,
कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस समय मीडिया अरे आप जब मीडिया नहीं था, जब मीडिया नहीं था तब गांधी बने थे, जब मीडिया नहीं था तब जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगर मीडिया पर ही सब कुछ होता है तो मेरे भाई फिर तो दुनिया चल गई होती। तो ये जो एक तमाशा नया क्रिएट किया जा रहा है कि आप अपनी सारी कमी मीडिया पे डाल दीजिए, ये नहीं चलेगा। ये जानबूझकर किया जा रहा है, मीडिया के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की आदत और फितरत छोड़ दीजिए। मैं बता रही हूँ, आप करते रहिए, बहुत खतरनाक। चुनाव दर चुनाव आपको इसका जवाब मिल रहा है। कृपया असलियत के मुद्दों पर रहिए। हाँ। ये मीडिया 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 भेड़िया आया दूसरे की खाल ओढ़ी, ये सब बंद कीजिए। आपको रोज मंच देते हैं, रोज आप लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सवाल खड़े करने हैं और सामने वाले पर कीचड़ उछालने की कोशिश। आदत बंद कीजिए, मैं बता रही हूँ आपको संजीव झा जी, ये ठीक नहीं है। मीडिया के खिलाफ आप दूसरे चैनल पर आपको जो करना है जो कहना है कीजिए, लेकिन आज तक पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो आपको पलट के सुनना पड़ेगा। हर मंच से ये सवाल हम लोग पूछते हैं, पूछ रहे हैं, और आप हमें नहीं बताएंगे। मीडिया के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव बनाने की फितरत छोड़िए, टॉपिक पे रहिए, अपना इशू उठाइए, अपनी पार्टी का इशू उठाइए। मुश्किल ये है अंजना जी कि आप तो हम पर हजार तोहमत लगा दें, आप लगाते हैं सवाल पूछने तो आप लगाते हैं, क्रिटिसिज्म के परे है क्या? आप लगाते हैं, क्रिटिसिज्म के परे नहीं है मीडिया। आप बीजेपी से लड़िए, जिस तरह से हम क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं आप भी किसी को स्वीकार कीजिए, जो कि अगर आप नहीं स्वीकारेंगे तो फिर जनता आपके पास, अगर इस टॉपिक पे बोलने को कुछ नहीं है जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं तो मैं सापरा साहब के पास चली जाऊंगी। टॉपिक पर आइए, वरना इस डिबेट पे नहीं है। तो चूंकि आपने सवाल खड़े कर दिया ना, दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो स्कूल बनाए उससे हजारों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। हमने तमाम दिल्ली वालों को मुफ्त हमने स्वास्थ्य की सुविधा दी है, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया है, हमने बच्चों को महिलाओं की यात्रा कराई है। तो आज दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार से क्या फायदे हो रहे हैं, इसी से पूरे देश में उम्मीद थी। तो आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसलिए नहीं भेज रहे, भ्रष्टाचार की जांच करनी है, जेल इसलिए भेज रहे हैं कुछ उम्मीदों को खत्म करना है, और इसलिए आज दिल्ली वाले गुस्से में हैं। और दिल्ली वाले जो 6% स्विंग की स्विंग आप जाके सड़कों पे उतरिए, वो तमाम लोग ऐसे जो दिल्ली में कई बार कहते थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, देश में मोदी की सरकार, अब वो कहते कि नहीं मोदी की सरकार नहीं, अब ये मोदी जी एक तानाशाही का प्रतीक बन गए हैं। मोदी जी इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन को मिसयूज करके आज वो तमाम अपोजिशन को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलती बबल से बाहर आई है, सुन लीजिए, पॉप कर लीजिए। भ्रष्टाचार जब की बात शुरू किया पहले 1,000 करोड़ घोटाला, फिर किसी ने कहा 400 करोड़ का घोटाला, फिर किसी ने कहा 300 करोड़ का घोटाला, ईडी ने कहा पहले 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहा 30 करोड़ का घोटाला, और आज से 3 दिन पहले इनके एएसजी ने यह कहा कि 80 लाख का ट्रेल मिला है जी, लेकिन पैसा खर्चा हो गया। रुक जाइए, आप 10 दिन बाद यही ईडी कहेगी कि हम जब छापा मारे थे तो केजरीवाल का 2 मफलर मिला था, हमने सीजर रिपोर्ट में लगाया नहीं, वही करप्शन था। ये मजाक बना के रख दिए हैं जांच का, तो देश की जनता देख रही है ना। आप चुनाव लड़ो ना, लड़ो शिक्षा के मुद्दे पे, लड़ो स्वास्थ्य के मुद्दे पे, लड़ो रोजगार के मुद्दे पे, पूरे एजेंसियों को अपोजिशन को खत्म करने के लिए लगाओगे। हाँ। और फिर हम कह दोगे 400 पार हो जाएंगे। इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है और देश की जनता इसको समय समय पर माकूल जवाब देते रही है, इनको भी जवाब देगी। आप तो बड़ी बड़ी वरिष्ठ एंकर हैं, इतिहास देखिए ना, 77 में तो ऐसे ही हो रहा था, अब जब फिर वोट हुआ तो परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। 2024 में वही उसी तरह के परिणाम, लोग गुस्से में हैं, लेकिन लोगों को डर लग रहा है कि डर अगर हम बोलेंगे तो एजेंसी आ जाएगी। तो बोलना नहीं है, चुपचाप वोट करना, और मुझे लगता है यही जनतंत्र की खूबसूरती भी है।